संभाल का स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरवा और आज का जो टॉपिक है, पहले तो हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो आपने पहला फिगर देखा वो था एक्लिप्स का, सोलर एक्लिप्स दैट वाज ऑकर्ड इन मे 29 1919, दैट इज 1919। तो इस एक्लिप्स में ऐसा क्या था जिन्होंने आइंस्टाइन को बिल्कुल पब्लिक फिगर बना दिया, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है और वो यहाँ यूएसए में सब जगह एक फेमस, काफी फेमस पर्सनालिटी हो गए थे। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आपने फोटो देखा वो है विलियम बी सिटर का, जो कि एक डच साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है आइंस्टाइन को फेमस करने में। और तीसरा नाम हम सब जानते हैं एडिंगटन, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने आइंस्टाइन को काफी फेमस, काफी ज्यादा उन्होंने पब्लिसिटी दिलवाई है। कहा जाता है जब 1919 में ये चीजें प्रूव हुई, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लाइट का बेंडिंग, दैट लाइट बेंड्स बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये चीज प्रूव हुई तो कहा पेपर्स में ये न्यूज आने लगी कि हाँ, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, एक ब्रिटिशर ने जर्मन को, जर्मन साइंटिस्ट को फेम दिलवाया है। ओके सो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, विलियम डी सिटर से स्टार्ट करते हैं। ये वो साइंटिस्ट, विलियम डी सिटर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि एक डच साइंटिस्ट है, वो कॉस्मोलॉजिस्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट, वाज अ डच साइंटिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, एंड बिफोर दैट, बिफोर द नीदरलैंड, वो साउथ अफ्रीका में अपना कॉस्मोलॉजी का वर्क करते थे। स्टार्स के बारे में, जैसे गैलीलियन फोर मून, इन सब के बारे में वो पता करते थे, उनके मासेस, उनका वे, डिस्टेंसेस, ये सारी चीजों पे वो काफी रिसर्च किया करते थे। उन्होंने फ्रॉम 1908 में वो नीदरलैंड शिफ्ट हुए। नीदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी है लाइडन करके, लाइडन यूनिवर्सिटी में, वहां पे उन्होंने ऑब्जर्वेटरी में काफी रिसर्च किया और वहां पे प्रोफेसर भी रहे, बाद में डायरेक्टर हुए, वहीं रहे नीदरलैंड। अब 1908 उन्होंने जो मॉडल्स बनाए, दिस वाज अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ यूनिवर्स दैट वाज बेस्ड ऑन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप कह सकते हैं कि इट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी, दैट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। तो उन्होंने इस चीज अपने पेपर में काफी चीजों के बारे में चर्चा की हुई है, आइंस्टाइन के पेपर के बारे में चर्चा की हुई है, रिलेटिविटी के बारे में चर्चा की हुई है। सो ऑफकोर्स 1908 से उन्होंने जैसे ही नीदरलैंड में ज्वाइन किया था, आफ्टर दैट उससे पहले भी आइंस्टाइन के वो काफी टच में थे। अब पहले हम बात करते हैं 1911 की। आइंस्टाइन ने वैसे तो काफी टाइम से जनरल रिलेटिविटी पे काम चल ही रहा था, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर 1905 के ही पेपर में पब्लिश किया था। 1905 यानी 1905 का जो पेपर पब्लिश था उसमें जो टॉपिक्स थे जो आइंस्टाइन ने पब्लिश किए थे वो थे इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीज, ये पेपर पब्लिश उन्होंने किया था जिसका नोबेल प्राइज उन्हें 1921 में मिला था। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने, आइंस्टाइन ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी ऑन जनरलाइजेशन ऑफ, ही वाज वर्किंग ऑन जनरलाइजेशन ऑफ रिलेटिविटी बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, उस पर उन्होंने काफी वर्क किया। और उनके जो पेपर का नाम था वो था, जो उन्होंने पब्लिश किया वो पेपर इस नाम से पब्लिश था, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। फ्रॉम 1911 उनके साथ एक साइंटिस्ट और थे जो उनके फ्रेंड और कलीग भी, फ्रेंड थे या कलीग कह सकते हैं आप, जिनका नाम था फिनले। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने सोचा कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी उस थ्योरी को प्रूव करने का एक ही तरीका है, क्यों ना स्टार, जो स्टार से लाइट आती है और सन है, तो स्टार अगर सन, आइंस्टाइन का क्या, मैं आपको ये समझाती हूँ कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थी क्या। उनका ये कहना था, आप एक काम कीजिए, अगर आप चार कॉर्नर्स को पकड़ ले, एक कपड़ा लीजिए और हर एंड को एक पर पर्सन, अगर हर पर्सन एक कॉर्नर पकड़ ले और हम एक स्ट्रेट रखते हैं, पहले उस क्लॉथ को स्ट्रेट रखते हैं ना, उस कपड़े को बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेस रखिए। अब आप क्या कीजिए, कपड़े का एक एक्सेस को मान लीजिए टाइम और दूसरा एक्सेस मान लीजिए स्पेस, जैसे कि हम एक्स और वाई मानते हैं। यहाँ पे आपको यू हैव टू टेक अ क्लॉथ पीस एंड मेक वन एक्सेस एज अ टाइम एंड अदर एक्सेस एज अ स्पेस, दिस इज अ स्पेस टाइम। अब ये स्ट्रेट है, अब आप ये काम कीजिए, इस पे एक हैवी बॉल डाल दीजिए। अगर आप इस पे हैवी बॉल डालते हैं तब क्या होगा,
हैवी बॉल की वजह से कपड़े का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर आप उस पर कुछ चीजें डालते हैं आगे पीछे, देन इट रोज लाइक दिस, इट बेंड टूवर्ड्स द बॉल, है ना। तो क्या हुआ आपके स्पेस टाइम की वजह से, आपके उस मास की वजह से आपका पूरा स्पेस टाइम कर्व हो गया, और उस कर्वेचर की वजह से जो भी चीज उसके आसपास आ रही है, सपोज आपने और छोटी छोटी बॉल्स उसके आसपास डाली, तो वो भी उस कपड़े के कर्वेचर का शेप ले लेंगे। तो यही आइंस्टाइन की थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बोला था दैट ग्रेट मासेस वर एबल टू बेंड द लाइट। ये चीज न्यूटन सर ने भी बताई थी, बट न्यूटन सर का जो प्रेडिक्शन था, जो कैलकुलेशन था, आइंस्टाइन का कैलकुलेशन काफी क्लोज था एज कम्पेयर टू न्यूटन प्रेडिक्शन। ओके, सो इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन ने ये मान के किया था कि बिकॉज ऑफ द कर्वेचर शेप ऑफ सन की वजह से स्पेस टाइम का शेप ऐसा हुआ है, और इसीलिए लाइट बैंड हो रही है, और इसीलिए लाइट जो है वो बैंड हो रही है। ओके, बिकॉज लाइट तो एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, उसपे फोर्स कैसे लग सकता है, उसमें तो फोटॉन्स है, फोटॉन्स आर मासलेस, सो वो बैंड कैसे हो सकती है, तो बिकॉज ऑफ कर्वेचर वो बैंड हो रही है। ये चीज फिनले जो जर्मन साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में, जब उन्होंने, क्योंकि आइंस्टाइन के साथ ही काम करे, तो उन्होंने सोचा कि इस चीज को प्रूव करने का एक तरीका है, और वो तरीका कुछ ऐसा है कि अगर स्टार्स से लाइट आती है और सन बीच में है, तो सन स्पेस को ऐसे कर रहा है, तो स्टार की लाइट आई और सन से बैंड होती हुई जाएगी। बट प्रॉब्लम ये थी कि सूरज दिन के टाइम पे सन की ब्राइट लाइट इतनी ज्यादा होती है कि स्टार्स को हाइड कर देती है, स्टार्स कंप्लीटली हाइड। ओके, सो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। अब क्या करो, तो इसीलिए एक्लिप्स जो था वो सबसे फेवरेबल कंडीशन थी उस चीज के लिए। सो स्टूडेंट्स, होल्ड जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन रिटन फॉर्म। 1911 में आइंस्टीन ने पाइल अप करना स्टार्ट किया अपना वर्क, जो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया था अबाउट जनरल रिलेटिविटी, E=mc2। तो ऑलरेडी वो 1905 के पेपर में वो दे ही चुके थे, बट अब वो चाहते थे कि एक कर्वेचर का असर लाइट पे कैसे होता है, कैसे बिहेव करती है ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है, और बेंडिंग ऑफ लाइट जैसे फिनोमेना, ये उन्होंने अब 1911 से स्टार्ट कर दिया था। और इसी दौरान उनके एक फ्रेंड थे फिनले, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ आइंस्टीन, और फिनले ने सोचा कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरी रखी है, जो प्रेडिक्शन किया है कि कर्वेचर की वजह से लाइट बैंड हो रही है, तो 1914 में एक्लिप्स वाज वेरी नाइस, जो कि मैंने अपने वीडियो में आपसे डिस्कस किया। सो 1914 में उन्होंने ट्राई किया कि एक्लिप्स लगा था 1914 में, उन्होंने ट्राई किया कि आइंस्टाइन की थ्योरी अब प्रूव हो सकती है। ही गेव द आइडिया दैट स्टार लाइट कुड बैंड, बट वही था कि 1914 में बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ये चीज नहीं प्रूफ हो पाई थी। अब 1915 का ईयर आया जहां आइंस्टाइन ने ऑफिशियली बर्लिन, जो कि जर्मनी में आता है, बर्लिन जर्मनी, यहां पे अपना पेपर पब्लिश किया। आइंस्टाइन ने ऑफिशियली पब्लिश किया पेपर, अपना पेपर रखा, पुटअप किया। याद रखिए सारी चीजें प्रेडिक्शन है अभी तक। अपना पेपर रखा 1915 में, और 1915 के बाद 1916 का जो ईयर था, इस ईयर में डच साइंटिस्ट विलियम डी सिटर, जो कि नीदरलैंड लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड कैसा देश था उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ये न्यूट्रल कंट्री थी, ये वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। विलियम डी सिटर नीदरलैंड के थे। 1916 में इन्होंने, विलियम डी सिटर ने अपने पेपर 4 पब्लिश किए, उसी के साथ उन्होंने आइंस्टाइन के पेपर की भी बात की, और 1916 में वो पहुंचे अपना पेपर पब्लिश करने के लिए लंदन में। वहां थे सर एडिंगटन, बहुत सारे ब्रिटिश थे, एडिंगटन भी वहां पे थे। एडिंगटन को काफी इंटरेस्ट आया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन की थ्योरी में, और उन्होंने सोचा कि अगर आइंस्टाइन का प्रेडिक्शन सही है तो क्यों ना इस चीज को प्रूफ किया जाए, इस चीज को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में किया जाए। और यही 2 साल के बाद 1916 दैट इज 2 साल के बाद 1919 में
जो सोलर एक्लिप्स हम जानते हैं मई 29 डेट थी 1919, और इस ईयर जो एक्लिप्स था सबसे फेवरेबल एक्लिप्स कहा जाता है क्योंकि जो सन था वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड स्टार्स के बीच में था जिसको हाइडस कहा जाता है, हाइडस स्टार काफी, और हमें तो स्टार की लाइट चाहिए थी तो काफी स्टार्स थे वहां पे जो एडिंगटन के, जो इस आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूफ करने के लिए काफी फेवरेबल कंडीशंस थी। सो इस तरीके से ये डेट है। सो लेट्स मूव ऑन नाउ, लेट्स मूव ऑन टू दिस एडिंगटन स्टोरी। नाउ अब एडिंगटन वाज द मेन हीरो इन दिस पिक्चर। सो जिनका एक सपोर्ट आइंस्टाइन को एक कहा जाता था उस टाइम के न्यूज़पेपर में सब पब्लिश हुआ था कि एक ब्रिटिशर ने जर्मन को पब्लिसिटी दिलाई, ऐसे काफी न्यूज में वहां पे हेडलाइंस आई थी उस टाइम पे। सो क्या किया था एडिंगटन ने, एडिंगटन वेंट टू द आइलैंड। एडिंगटन उनका पूरा एक्सपेडिशन, एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। एडिंगटन गए आइलैंड ऑफ प्रिंसिपी, आइलैंड ऑफ प्रिंसिपी जो कि है वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में। और दूसरा जो एक्सपेडिशन था वो गया सोब्रल। एडिंगटन यहां गए, यहां पे गए सर एडिंगटन, ओके। और यहां पे सोब्रा जो कि आता है ब्राजील में, वहां पे एक दूसरा एक्सपेडिशन गया, एक दूसरे साइंटिस्ट का एक्सपेडिशन गया। अब आप कहेंगे सिर्फ यही दो कंट्रीज क्यों चुनी गई, द रीजन इज कि यहाँ पे ये पहले तो एक एक्लिप्स के पाथ में आता था, एक एक्लिप्स के पाथ में आता था, एक ब्राजील एंड दूसरा है साउथ अफ्रीका, ओके। सो ये दोनों एक्लिप्स के पाथ में आते थे जहां से इस एक्लिप्स को, इस थ्योरी बहुत फेवरेबल कंडीशन थी, क्लाउड्स बिल्कुल नहीं थे। सो इसीलिए ये दोनों चीजें, ये दोनों जगह काफी आइडियल थी उस टाइम पे। सो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वन एक्सपेडिशन विल गो हियर एंड अदर वन विल गो टू ब्राजील। और जब उन्होंने वहां पे देखा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिक्स मंथ्स बिफोर उन्होंने एक नाइट स्काई में स्टार्स का पूरा फोटो लिया, एक पूरा पिक्चर लिया। अब आप कहेंगे नाइट स्काई में क्यों पिक्चर लिया, बिकॉज उस टाइम पे सपोज कीजिए कि सन यहां पे है, सन यहां पे है, दिस इज अवर सन एंड दिस इज अवर अर्थ। सो नाइट रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ की पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, स्टार्स, दिस इज द नाइट स्काई पिक्चर दैट रिलेटिव टू अर्थ वे इज द पोजिशन ऑफ दिस स्टार्स। सो पहले सिक्स मंथ्स बिफोर उन्होंने ये स्टडी किया और पिक्चर्स ले ली। आफ्टर सिक्स मंथ्स, जब मई आफ्टर सिक्स मंथ्स के बाद अर्थ इस साइड आ जाएगी, है ना, ऑफकोर्स आफ्टर सिक्स मंथ बाद अर्थ विल कम ओवर हियर, दिस इज अवर अर्थ, दिस इज अवर अर्थ। सो आफ्टर सिक्स मंथ्स अर्थ विल बी ऑफकोर्स इन ओपोजिट साइड, राइट, एंड दिस डेट वॉज मई 29, 1919, ओके। सो आफ्टर दैट उन्होंने यहां का पूरा पिक्चर लिया एंड देन दे कंपेयर द डेटा, ओके। सो आई विल गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। लुक हियर, दिस इज अ नाइट स्काई, तो लेट्स से दिस इज अवर स्टार्स, हाइडिस स्टार है, काफी डेंस पॉपुलेटेड स्टार थे, काफी डेंस, दैट्स व्हाई दैट वाज द मोस्ट फेवरेबल ईयर, क्योंकि सन जो है वो पूरा के पूरा स्टार्स से घिरा हुआ था, इट वॉज क्रॉसिंग अ वेरी डेंस पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द स्टार, राइट, नोन एज द हाइडस। इस स्टार के झुंड का नाम हाइडस कहा जाता है, ओके। सो लेट्स से दिस इज अवर अर्थ, ओके, एंड दिस इज अवर सन, ओके, फाइन। अब पहले तो उन्होंने ये नाइट स्काई में ये पिक्चर ले ली रिलेटिव टू अर्थ वेज द पोजिशन ऑफ द स्टार। आफ्टर दैट, आफ्टर सिक्स मंथ्स अर्थ घूम के इस साइड आ गए, ओके, दिस इज अवर अर्थ नाउ एंड हियर इज अवर मून and the shadow of the moon that cover the whole this sun, ये इतना हिस्सा sun की light को block कर रहा है, okay? अब ये जितना हिस्सा block कर रहा था that was fine, इतना हिस्सा तो earth, मतलब this the
आप समझिए कि ये हिस्सा अगर ब्लॉक हो जाएगा तो सिर्फ सन का ये आउटर हिस्सा बचेगा जिसको कोरोना बर्स्ट कहा जाता है, ये आउटर हिस्से से ही लाइट आ सकती है क्योंकि इतना तो कवर हो गया। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि चकाचौंध रोशनी में हमें एक्लिप्स, हमें स्टार लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, वो हमारी दूर हो गई क्योंकि मून की शेडो की वजह से सन का भी इतना हिस्सा कवर्ड हो गया। ओके, अब सन का इतना हिस्सा कवर्ड हो गया तो ओनली आउटर कोर की वजह से जो आपने सबसे पहला पिक्चर देखा वो सन का आउटर कोर था। ओके, उसकी वजह से यू कैन सी जस्ट आउटर कोर की वजह से हमें खाली स्टार लाइट और स्टार्स काफी ब्राइट दिख रहे थे उस टाइम पे। दिन के टाइम पे भी आपको स्टार्स दिखने लगेंगे बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स। ओके, सो अब आप ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए यहां से लाइट आ रही है एंड द लाइट इज ट्रेवलिंग स्ट्रेट। अब देखिए ये बिकॉज ऑफ द सन होल कर्वेचर इज शिफ्टेड लाइक दिस। सन की वजह से, आइंस्टाइन का कहना था कि कर्वेचर की वजह से लाइट बैंड होती है बिकॉज सन एक दबाव बनाता है जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। द स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, आई विल टेल यू। जैसे आप एक समझिए, आपके पास एक कॉटन का क्लॉथ है, चारों कॉर्नर से आपने अच्छे से पकड़ा हुआ है और उस पर अगर आप एक बॉल डाल दें तो आपका कर्वेचर कैसा हो जाएगा उस कपड़े का, द क्लॉथ विल बी कर्व्ड, उस बॉल के वजन की वजह से कर्व हो जाएगा वो क्लॉथ। सिमिलरली सन के वजन की वजह से, सन के मास की वजह से ये पूरा स्पेस कर्व्ड हो चुका है और इस कर्व के कारण लाइट ऐसे आ रही है। देखिए यहाँ पे ये स्टार से लाइट आई एंड बिकॉज ऑफ द सन इट गेट्स डेविएटेड और यहां पे आपको ऐसे दिखाई देगी। अब ये बेंडिंग कितनी है बिकॉज एक्चुअल पोजिशन तो हम पता कर चुके थे 6 months बिफोर रिलेटिव टू अर्थ। अब अगर आप इससे पीछे थोड़ा सा मिलाएंगे देन आपको ऐसा लगेगा कि स्टार यहां, दिस इज द एक्चुअल स्टार, दिस इज द एक्चुअल पोजिशन एंड दिस इज द अपेरेंट पोजिशन। अपेरेंट का मतलब है कि आपको ऐसा दिखाई देगा, एक्चुअली वहां पे है नहीं। तो दिस इज द शिफ्ट, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूं, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे एंड दिस एंगल इज द थीटा जो कि आइंस्टीन के प्रेडिक्शन से था 1.75 आर्क सेकंड काफी स्मॉल एंगल के लिए होता है। आपको यकीन नहीं होगा ये थीटा सिर्फ और सिर्फ 0.005 डिग्री शिफ्टेड था, काफी स्मॉल एंगल। जब एंगल इतना स्मॉल होता है तो हम लोग आर्क सेकंड लेते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि न्यूटन सर ने भी तो ये चीज प्रेडिक्ट की थी। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ सो यू विल बी बेटर हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सपोज न्यूटन सर के ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस ले और यहां पे अगर इस एक्सिस पे हम ले रेडियल डिस्टेंस ले रेडियस मतलब रेडियस डिस्टेंस, तो न्यूटन सर के अकॉर्डिंग द शिफ्टिंग वुड बी दिस, ओनली दिस मच अमाउंट, जबकि आइंस्टाइन के हिसाब से ये ट्वाइस थी। ये आइंस्टाइन के हिसाब, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द एंगल इज ट्वाइस। ओके, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर, दिस बेंडिंग सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर द बेंडिंग वॉज दिस मच, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द बेंडिंग वॉज दिस मच। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रेडिक्शन स्टारलाइट शुड बेंड नियर द सन टू, बट इफ आइंस्टाइन वॉज राइट द डेविएशन वुड बी ट्वाइस वॉट वॉज प्रेडिक्टेड बाई द न्यूटन। न्यूटन सर के कंपेरिजन में ये ट्वाइस थी आइंस्टाइन के प्रेडिक्शन बिकॉज उनकी रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एंगल निकाला था। एंड यू विल अमेज्ड, और आप सबको रिजल्ट पता है कि जब एडिंगटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और जब उन्होंने पब्लिश किया पेपर इन नवंबर 11, 1919, प्लीज नोट आउट द डेट कि May 29 में ये सारा काम हुआ था और 11 नवंबर को पूरे साइंटिफिक पूरे काउंसिल के सामने उन्होंने जब ये अपने डेटा प्रेजेंट किए, ये ठीक वही साल है 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर वन फिनिश हुआ और ठीक उसके एक साल बाद ठीक एक साल बाद आइंस्टाइन इस डेट में सारे साइंटिफिक फोरम ने एक्सेप्ट किया कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वॉज मोर एक्यूरेट एंड हाँ स्पेस जो कर्वेचर है उसकी वजह से लाइट बैंड होती है। ओके, दिस इज द रिलेशन
टू अर्थ वेयर स्टार्स आर लोकेटेड इन. ओके, तो स्टूडेंट्स आइंस्टाइन को एक कहा जाता था कि यार आइंस्टाइन जो फेमस हुए वो एक ब्रिटिशर की वजह से फेमस हुए, एक जर्मन को ब्रिटिशर ने फेमस किया. सो आई थिंक दिस इज इनफ नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू लाइक्ड इट एंड होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच.